फालतू के लफड़ेबाजी जो है ये कोई दुख नहीं होते, और इनसे सीखो कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, जब आपके साथ कोई ऐसा ना खड़ा हो कि जो कंधे पे हाथ रखेगा, कोई बात नहीं मैं हूं मैं संभाल लूंगा, तब जीवन संघर्षों से कैसे जूझा जा सकता है, ये देखो इसका उदाहरण उसकी मिसाल है। और ये हमारे नॉर्मल घरों में ही है, ये कहीं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई कि इनका अखबारों में नाम आएगा, लेकिन इनकी कहानी हम आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जब जिंदगी में तुम्हें परेशानी घेर लेना, तब याद करना कि एक औरत रोहतक के किसी गांव में थी जिसने कितनी परेशानियां देखी, फिर भी अड़िग रही, अपने सही रास्ते पे चलती रही, और एक दिन ईश्वर उस पर भी मेहरबान हुआ। शीतल, शीतल की का 21 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आज इन सबके लिए आप रोल मॉडल हो,
इनमें से बैठी हर लड़की सोचेगी कि हाँ हमें भी इतना इतना दमखम रखना है कि अगर पीछे बैक ना हो तो भी गलत रास्ता ना पकड़े। हर औरत के पास ऑप्शन होता है हर लड़की के पास गलत रास्ता पकड़ने का, लेकिन देखो बेटा अच्छा रास्ता पकड़ने पे ये तालियां मिलती हैं जो गलत चीज से कभी नहीं मिल सकती। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईश्वर ने अब सही, और अभी आप बड़ी नहीं हुई है, 42 साल की कोई एज नहीं होती, अब अच्छे दिन आए हैं इनके जीने के। पीछे माँ नहीं थी, आगे हस्बैंड परेशान थे, भाई बेटा छोटा था, अब इनका बेटा जो है वो भी कमाने की राह पर है और अब बेटी को जाना ही है। तो शीतल बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, और तुम ब्लेस्ड हो जो तुम्हें इतनी ऐसी माँ मिली कि जिसने संघर्ष का रास्ता चुना। इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन थे बेटा, बैठ के आराम से जिंदगी काट सकती थी, लेकिन देखो इन्होंने सोचा कि मुझे संघर्ष करना है, अपनी माँ की हमेशा इज्जत करना और इनके संघर्षों को भूलना नहीं कभी। इतना संघर्ष हर औरत के बस की नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ये मेरे बच्चों की तरह आपके भी बच्चों की तरह, जैसे अपने बेटा बेटी को कुछ बताते हैं आप इनको कुछ, कई बार मैं पता है क्या मेरे पास मैसेज आता है कि मैडम हम बहुत दुखी हैं, क्या हो गया, तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा। कोई ऐसी कोई मतलब फालतू की बात नहीं, इसमें कौन सी बात है, लाइफ जो है वो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ये फालतू की बात है। इनके जीवन को देखो, ये संघर्ष होता है और दुख और ये फालतू की बातों में बहुत फर्क है। दुख पता है क्या होता है, किसी के पिताजी नहीं है घर पे, कोई कमाने वाला नहीं है, किसी घर में जो जवान मौत हो गई, ये होते हैं दुख। ये फालतू के लफड़ेबाजी जो है ये कोई दुख नहीं होते, और इनसे सीखो कि जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, जब आपके साथ कोई ऐसा ना खड़ा हो कि जो कंधे पे हाथ रखेगा, कोई बात नहीं मैं हूं मैं संभाल लूंगा, तब जीवन संघर्षों से कैसे जूझा जा सकता है ये देखो, इसका उदाहरण उसकी मिसाल है। और ये हमारे नॉर्मल घरों में ही है, ये कहीं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई कि इनका अखबारों में नाम आएगा, लेकिन इनकी कहानी हम आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जब जिंदगी में तुम्हें परेशानी घेर लेना, तब याद करना कि एक औरत रोहतक के किसी गांव में थी जिसने कितनी परेशानियां देखी, फिर भी अड़िग रही, अपने सही रास्ते पे चलती रही, और एक दिन ईश्वर उस पर भी मेहरबान हुआ। जिंदगी के कितने लंबे संघर्ष के बाद ये यहां पहुंची, कितने साल जीवन के जो दिन शेष है ये बहुत विशेष रहेंगे आपके लिए, और भगवान ने चाहा तो आप खूब खुश रहेंगे। चलो इनका मैसेज भी ये बिल्कुल बच्चों की तरह है आपके, इसको ऐसे मैं बस ज्यादा तो नहीं बोलना तंदर को, पर मैं सभी को ये कहूंगी कि जैसे मेरी बेटी ने मेरा सपोर्ट किया, घर में भी सुबह काम करके आती थी और शाम को भी काम करती थी, और रात को 1 बजे उठ के मेरी बेटी पढ़ती थी, कोई ट्यूशन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, ज्यादा फीस मेरे पास देने के लिए भी नहीं थी, और प्रीमियल सर ने भी हमारा बहुत साथ दिया, एक वक्त अगर मेरे को फीस नहीं भी दी गई तो भी सर ने कोई दबाव नहीं दिया, और बबीता मैम कि मैं सारी वो देखती थी फोन पे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को इसी के साथ पास भेजूंगी और वहीं पे पढ़ाऊंगी। बबीता मैम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को और भी ऐसी बहुत अच्छी बातें हैं जो हम घर पे अपने काम में बिजी रहते हैं अपने बच्चे को नहीं बता सकते, वो मैम खुद बताती है, मैं सुनी है फोन पे, बहुत अच्छी मैम है, इन्हीं की वजह से आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है। बहुत बहुत आपको कैसा लग रहा है, इतनी तालियां बजा के बज रही हैं, अब मैं अंदर से बहुत खुश हूँ मैम, मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। जैसे इतने लोग तालियां बजा रहे हैं, आपने कभी सोचा था कि लोग आपको भी पसंद करेंगे, आपकी जिंदगी से प्रेरणा नहीं लेंगे? नहीं, आज देखो आप इतनी काबिल हो कि ये सब आज आपको, इनकी नजरें सबकी आपको इज्जत के साथ देख रही हैं। मैं बबीता मैम और प्रीमल सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं रोहतक ब्रांच से पढ़ी थी, वहाँ पे मोनिका मैम थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करती हूँ। बस पढ़ते रहना, एक दिन फाइनल अपने मुकाम तक पहुँच ही जाओगे।
से जब तुमने वही बचपन में जब तुम पैदा हुई तब इसके पिताजी शायद उस टाइम पे थे नहीं आप लोगों के आसपास है ना जब इसका जन्म हुआ था तब तुम छोटी थी पढ़ती थी तब ये लगता था कि यार बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि पिताजी तो साथ नहीं है तब ऐसा लगता था अपनी मम्मी का स्ट्रगल का टाइम तुमने देखा लोगों का रवैया देखा कितना बदलाव है लोगों का जो रवैया है तुम्हारे प्रति तुम्हारे मम्मी के प्रति अब कितना बदलाव मैं ये देखती थी कि मेरे गांव से आते वक्त जैसे जो मुझे देखता था मतलब ऐसे देखते कि डेढ़ दो साल तक लगातार कहीं पे जाते तो ये देखने लग जाते हैं इतने दिन हो गए अब तक पढ़ रही है तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन वर्दी पहने बस इन्हें आख्या का सामना करना है लोगों का रवैया अब जब तुम लग गई हो तो कैसा बदल गया आप भी आ जाओ आपने भी बहुत मेहनत किया।